गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अशोक कुमार फ्रॉम भावराव देवराज सरस्वती विद्या मंदिर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर द शेपर्ड्स ट्रेजर. स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक फ्रॉम द बुक अ पैक्ट विद द सन एंड दिस इज द टॉपिक फॉर क्लास 7. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर and the exercise also. So the first question is the shepherd had not been to school because. It means कि जो shepherd था वो कभी school नहीं गया. क्यों नहीं गया? He was very poor. There were very few schools in those days or he was not interested in studies. So I think students interested तो था but there were very few schools in those days. उस समय पर बहुत ही जो है कम स्कूल थे उन दिनों पर. सो दैट्स वाई ही हैड नॉट बीन टू स्कूल. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विजिटेड द शेपर्ड वन डे एंड वाई. द किंग ऑफ ईरान कि जो शेपर्ड जो था हु केयर द शिप. तो जो शेपर्ड था उससे कौन मिलने के लिए आया और क्यों आया. सो स्टूडेंट्स, द किंग ऑफ ईरान द कंट्री वेयर द शेपर्ड लिव. एक देश था, इट मीन्स ईरान, जहाँ का राजा हियर्ड अबाउट द शेपर्ड्स विजडम, जिसने शेपर्ड की विजडम के बारे में सुना. सो ही डिस्गाइज्ड एज ए शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल. उसने उसने भेष बदला और खच्चर पर बैठकर वह शेपर्ड से मिलने के लिए गया. विजिटेड का मीन्स क्या होता है? उससे मिलना. Although poor and uneducated, the shepherd was very wise. यद्यपि वह गरीब था, अनएजुकेटेड था, अशिक्षित था, लेकिन जो शेपर्ड था वो बहुत बुद्धिमान था and understood people's sorrow and troubles. कि वह लोगों की दुख को वो समझता था and helped them face. Help them and face them with courage and कॉमन सेंस. द किंग हियर्ड अबाउट एंड देयरफॉर वांटेड टू मीट हिम. शेपर्ड हु हैड बिकम सो फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर अमंग द कॉमन पीपल. तो वो जो राजा जो था मिलना चाहता था शेपर्ड से, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था अपनी बुद्धिमानी के कारण एंड नेचर के कारण, फ्रेंडली नेचर के कारण अमंग द कॉमन पीपल. सो नाउ वी वुड डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो ज्वेलस ऑफ शेपर्ड. जो शेपर्ड से उन्होंने जलना, शेपर्ड से जलना क्यों शुरू कर दिया गवर्नर्स ने, जो अदर्स गवर्नर्स है. सो द अदर गवर्नर्स ग्रू ज्वेलस ऑफ द शेपर्ड व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल प्रोविंस. प्रोविंस का मीन्स क्या होता है बेटा? क्षेत्र. जब राजा ने उसे एक गवर्नर बना दिया स्मॉल प्रोविंस का. ऑल्दो द शेपर्ड रोज टू पावर एंड डिग्निटी. यद्यपि जो शेपर्ड था उसकी पावर और डिग्निटी, सम्मान और शक्ति बढ़ गई थी, ही रिमेंड एज हम्बल एज एवर. हम्बल का मीन्स क्या होता है? विनम्र. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम. जो लोग थे उसका सम्मान करते थे, प्यार करते थे उसकी बुद्धिमानी के लिए, सिंपथी के लिए, सहानुभूति के लिए एंड गुडनेस. गुडनेस का मीन्स क्या होगा? अच्छाई के लिए. सो एज फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. जो उसकी अच्छाइयाँ थी, उसकी बुद्धिमानी थी गवर्नर की, सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, वो पूरी कंट्री में फैल गई. सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी वुड डिस्कस about the fourth question. Why was the new governor called to the palace? जो new governor को महल में क्यों बुलाया गया? Palace का means क्या होगा? महल में क्यों बुलाया गया? The other jealous governor cooked up false stories. Cooked up means क्या होगा बेटा यहाँ पे? यानी कि उन्होंने झूठी झूठी कहानियाँ बनाई about the shepherd governor. जो shepherd governor था
एंड टोल्ड द किंग, और उन्होंने राजा को बताया दैट द न्यू गवर्नर वॉज वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, एंड कैप्ट फॉर हिमसेल्फ ए पार्ट ऑफ मनी, और वह एक हिस्से जो था धन का वो रखता है अपने पास, दैट ही कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, एक टैक्स के रूप में जो वह लोगों से कलेक्ट करता है वो एक हिस्सा वो अपने पास भी रखता है. सो ही स्टोरीड इट इन एन आयरन चेस्ट, स्टोर्ड इट इन एन आयरन चेस्ट, वह एक आयरन का एक चेस्ट है, इट मीन्स एक संदूक है, विच ही कैरिड एवरीवेयर, यानी कि जिसे वह ले जाता है एवरीवेयर विद हिम ऑल द टाइम अपने साथ. व्हेन द किंग ग्रू टायर्ड ऑफ दियर स्टोरीज, जब राजा थक गया स्टोरीज से, उनकी कहानियों से, एंड कुड नॉट इग्नोर दैम एनी लॉन्गर, और वह अधिक इग्नोर नहीं कर पाया, सो वेंट टू चेक इट फॉर हिमसेल्फ, तो उसने निर्णय किया कि वह जो है खुद उसे चेक करेगा. सो ही नोटिस दैट द गवर्नर डिड कैरी विद हिम द आयरन चेस्ट ऑल द टाइम, सो दैट्स वाई ही समॉन्ड हिम टू द पैलेस टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इसलिए उसने निर्णय किया कि वह उसे बुलाएगा और उनका जो ट्रूथ है वो देखेगा. सो लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल, सो एवरी वन वॉज डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, जो कैमल की बैक पर जो वो आयरन चेस्ट था उसे देखकर वो खुश हो गए. तो क्यों हो गए? तो आपको ओनली फोर जो इसका आंसर लिखना है स्टूडेंट्स वो ये लिखना है, इट वुड बी ओपन एंड हिज डिसऑनेस्टी वुड बी रिवेल्ड, जैसे ही वो खोलेगा तो उसकी डिसऑनेस्टी रिवेल्ड हो जाएगी राजा के सामने, एंड ही वुड बी डिसमिस्ड ऑफ ऑल हिज पावर्स, और उसकी सारी पावर्स जो हैं वो डिसमिस्ड हो जाएंगी. सो स्टूडेंट्स यू आर टू राइट ओनली फोर, एवरी वन वॉज डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, बिकॉज इट वुड बी ओपन, आपको क्या लिखना है, बिकॉज इट वुड बी ओपन एंड हिज डिसऑनेस्टी वुड बी रिवेल्ड टू द किंग, उसकी जो बेईमानी है वो राजा के सामने प्रकट हो जाएगी, एंड ही वुड बी डिसमिस्ड ऑफ ऑल हिज पावर्स, और उसकी सारी पावर से उसे डिसमिस कर दिया जाएगा. एंड द लास्ट आंसर इज व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, तो इट्स अ वेरी इजी आंसर, द आयरन चेस्ट डिड नॉट कंटेन गोल्ड सिल्वर और ज्वेल्स एज द ज्वेलर्स गवर्नर हैड बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, सो यू कैन राइट द आयरन चेस्ट हैड एन ओल्ड ब्लैंकेट, यू कैन राइट ओनली, दिस इज रॉन्ग, सो यू कैन राइट हैड. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाई डिड द शेपर्ड ऑलवेज कैरी इट, द शेपर्ड ऑलवेज कैरीड द ब्लैंकेट विद हिम बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ये जो था उसका क्या था, ओल्डेस्ट फ्रेंड था, यू आर टू राइट ओनली बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड. एंड द नेक्स्ट इज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेपर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ, ये जो एग्जाम्पल था शेपर्ड्स की ह्यूमिलिटी विजडम का था, ह्यूमिलिटी का था या विजडम का था, यानी कि मानवता का था या विजडम का था, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द शेपर्ड्स ह्यूमिलिटी एज वेल एज विजडम, तो आप यू आर टू राइट ओनली दिस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ शेपर्ड्स ह्यूमिलिटी एज वेल एज विजडम. एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट आंसर इज हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द गवर्नर ह्यूमिलिटी, यानी कि मानवता से और विजडम से, ये दिस इज एंड ए एन डी, वो उसके जो था ये ह्यूमिलिटी एंड विजडम से बहुत ज़्यादा खुश हुआ, ही रिवार्डेड हिम विद ए प्रमोशन, प्रमोशन मीन्स क्या होता है, प्रमोट करना किसी को, बढ़ावा देना, एंड मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर प्रोविंस, प्रोविंस का मीन्स क्या होता है, क्षेत्र का, द सेम डे का मीन्स उसी दिन. सो स्टूडेंट्स यू आर टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर इन फेयर नोटबुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल्सो. स्टूडेंट्स थैंक यू.